हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक गणेश में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई की ओर से बैन किया गया है। अब आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम का यूज़ करते हैं, अगर आप भी पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ करते हैं और आपके पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे हैं और आप उस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे को अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे विदड्रॉ करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप 0% चार्जेस के साथ अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे और किस प्रकार आपको ट्रांसफ़र करना है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने पेटीएम ऐप में लॉगिन होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, पेटीएम वॉलेट का। यहाँ पे देख पा रहे हैं पेटीएम बैंक के बाद पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में आपका जितना भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरा 25 रुपीज़ यहाँ पे है। आपका जो वॉलेट में जो पैसा है उसे आप बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे आप उसको विदड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरा 25 रुपया है। चलिए मैं अपना 25 रुपया को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पे का ऑप्शन दिख रहा है, आप स्कैन करके भी इस पैसे को किसी भी अदर पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र टू बैंक का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ट्रांसफ़र टू बैंक पर क्लिक करना है। अगर आप बैंक अकाउंट में इस पैसे को लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र टू बैंक पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं 25 रुपये को विदड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पे 25 रुपया अमाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन दिख रहा है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड आपको वेट करना है। आप जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट पेटीएम ऐप में सेव किया हुआ है उस बैंक अकाउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप इनमें से किसी भी बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो जो आपका बैंक अकाउंट सेव है उसका आपको ऑप्शन मिलेगा। इसमें से अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आपको ऐड न्यू का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, ऐड न्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, आपसी कोड एंटर करना है और अकाउंट होल्डर नेम को एंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, आपका पैसा उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए मैं यहां से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर नेम एंटर करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है, आईएफएससी कोड डाल दिए हैं, साथ ही अकाउंट होल्डर नेम डाल दिया। आपको प्रोसीड बटन दिख रहा है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, फिर से आपको वो अकाउंट नंबर को कॉन्फर्म वाले पेज पे एंटर करना है। आप जो अकाउंट नंबर डाले हैं उसे आपको फिर से यहाँ पर री एंटर करना है। चलिए मैं री एंटर कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर री एंटर कर दिया। अब आपको कॉन्फर्म बटन दिख रहा है, कॉन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं जैसे आप कॉन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि जो भी आप जो अमाउंट सेंड कर रहे हैं वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, कितना परसेंट आपको चार्जेस लगेगा। तो चार्जेस यहाँ पर 0 कर दिया गया है। अब आप पेटीएम वॉलेट के पैसे को बिना किसी चार्जेस के पे कर सकते हैं। और टोटल पेबल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको नीचे प्रोसीड बटन दिख रहा है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड आपको वेट करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर दिया, आपको कन्फर्म बटन दिख रहा है, कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड आपको वेट करना है, फिर से और एक ओटीपी सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। देख सकते हैं ओटीपी मेरा आ चुका है, फिर से आपको ओटीपी को एंटर करना और वेरीफाई पे क्लिक करना है। चलिए मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई बटन दिखेगा, वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ सेकंड आपको वेट करना है और आपका जो पेटीएम वॉलेट का जो पैसा है आपके दिए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली मनी सेंड हो चुका है। जो बैंक अकाउंट में मैंने जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था उसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इस प्रकार आप भी अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे को अपने अकाउंट में विदड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्जेस के। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी दोस्तों कि कैसे आपको अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।